वी द पीपल में चर्चाएं चलती रहती हैं, चर्चाओं में लोग आते रहते हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा गया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी दी है और उसमें समूह को अपना नेता चुनने की आज़ादी है, तो ये जो संगठन के लीडर हैं ये उसको अप्लाई क्यों नहीं करते। मतलब वो कहते हैं कि संविधान लागू कराना है, संविधान को बचाना है, संविधान लागू नहीं हो रहा है, मगर वो कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि उन्होंने अपने संगठन में तो संविधान कभी लागू किया ही नहीं। उन्होंने एक अलग सा संविधान अपने समूह में बना लिया जो व्यक्तिवाद पे आधारित है, जिसमें वो आजीवन प्रेसिडेंट बने रहते हैं। अधिकतर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि किसी संगठन का, किसी भी तरह का संगठन है, चाहे वो धम्मिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो युवाओं का है, दल बल सेना शक्ति का है, या आर्थिक है, या सरकारी कर्मचारियों का है, अधिकतर नेताओं ने संविधान में अपने आप को आजीवन संविधान, यानी नौकरी है तो उसके बाद भी, अगर बूढ़े हो गए तो उसके बाद भी, कईयों ने तो अपने बच्चों का भी रिजमेंट कर लिया है, यानी कि वो बच्चों को ले आते हैं फिर उनको प्रधान बना देते हैं। तो ये जो रोजी रोटी खाने का और ये जो कमाने का जो धंधा बना के आजीवन प्रधान का उसमें कंसेप्ट बना लिया है, ये दरअसल बड़ी अजीब सी बात है कि वही लोग कहते हैं कि भारत में संविधान लागू नहीं है। अरे भाई, मॉरलिटी तो ये कहती है, सदाचार तो ये कहता है कि आप संविधान को बारे में बात कर ही नहीं सकते, आप इस लायक हैं ही नहीं कि आप संविधान की किताब लेके घूमें या संविधान को सर पर रख के घूमें या संविधान बचाने की बात करें, क्योंकि संविधान जब बचाना था तब आपने संगठन में लागू किया नहीं। अगर आपने अपने लोगों को संविधान की प्रैक्टिस अपने समूह, अपने ग्रुप, अपने संगठन में सिखाई होती, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया होता कि देखो हमने बाबा साहब का संविधान अपने यहाँ भी लागू किया है, देखो हम संविधान के तहत में हर साल चुनाव कराते हैं, देखो हम संविधान के तहत में जो बुद्धिजीवी हैं उनको राज्यसभा की तरह बड़ा मान सम्मान देते हैं, देखो हम संविधान के तहत में जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा जिम्मेदारी देते हैं, ज़्यादा उसको आगे लेके आते हैं, देखो हमसे भी अच्छा अगर कोई और है तो वो हमारी जगह आ सकता है, हमारा काम हल्का हो जाएगा, देखो जो बेहतर कर सकता है उसको आना चाहिए। ये किसी संगठन में आपको नहीं मिलेगा। कोई अपने आप को कितना भी डेमोक्रेटिक कहता रहे, डेमोक्रेटिक भी है तो उसका क्या है, बंद कमरे में 10 आदमी वही घूम के बैठेंगे और वही आपस में एक दूसरे को प्रधान और सचिव बारी बारी बना लेते हैं। बाहर वाले का तो लेबर ही समझते हैं, उसको तो हमेशा एक मजदूर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई नंबर नहीं आने वाला। कोई अगर विद्रोह करेगा, कोई अगर उनको कहेगा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसको वो संट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, उसकी बेइज्जती कर देते हैं, उसको गाली गलौज कर देते हैं, उस पर कोई इल्जाम लगा देते हैं। इसलिए जो ऐसे मायूस कार्यकर्ता हैं जिनको काम करना है और काम नहीं हो रहा है, वो वी द पीपल की तरफ से इन्वाइटेड हैं, वो आएँ। यहाँ एक ओपन एटमॉस्फेयर है जो संविधान के तहत में काम करता है, जो भगवान बुद्ध का संघ का चलाने का नियम था विनय पीटक, उस पर आधारित है। आप में अगर क्षमता है, आप में अगर कैलिबर है, तो आप अपने कैलिबर को प्रूव कर सकते हैं, आप सिद्ध कर सकते हैं, आपके पास ये मौका है, आप आइए और वी द पीपल में काम कीजिए, जितना काम आप कर सकते हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति को अपने जो उसका अपना फील्ड है उसमें काम करने की पूरी आज़ादी है, उसको फ्री हैंड है। आप काम कीजिए जिससे कि हम बच सकें, संविधान बच सके, बाबा साहब जो लेके आए थे वो बच सकें। और इन नेताओं को बार बार कहिए कि आप अपने संगठन में संविधान बचाने की बाद में करना, पहले अपने संगठन में संविधान को लागू कीजिए जैसा बाबा साहब ने कहा था। वो ये कह सकते हैं कि बाबा साहब का संविधान तो देश के लिए था। अरे भाई, देश में भी तो वही है जो आपके संगठन में है, देश भी वेलफेयर के लिए काम करता है, आप भी वेलफेयर के लिए काम करते हो। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है वो लोगों के लिए है, आप भी लोगों को ऑर्गेनाइज करते हो, कोई अंतर नहीं है सिवाय लेवल के, कि वो पूरा देश है जहाँ संविधान ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ चलता है, और आपका संगठन है जो आप बार बार दावा करते हो कि हर राज्य में हमारा है, तो वो भी पूरे देश में आप दावा करते हो। तो संविधान लागू कराने के लिए कार्यकर्ता को जोर मारना चाहिए, नेता कभी नहीं करेगा, क्योंकि नेता अगर संविधान करेगा, चुनाव होगा तो उसे हटा देंगे आप, क्योंकि वो तो काम अच्छा करता नहीं, और अगर वो अच्छा काम करता है तो आप उसे ले आएंगे, तो उसे डर क्या है। इसलिए नेता लागू नहीं करेगा, आपको लागू करना है, क्योंकि समस्या आपकी है। नेता तो वेल सेटल्ड है, उसके बच्चे आपने देखे नहीं होंगे कि उसके बच्चे कहाँ हैं, उसके बच्चे स्विमिंग पूल में तैरते हैं, 5-स्टार होटल में रोटी खाते हैं, बढ़िया कंपनी है उनकी, उनको कोई लेना देना नहीं है।
दिक्कत उनकी है जिनके बच्चों को नौकरी नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, और जो लगे हुए हैं अपना पैसा टाइम दे रहे हैं, जिन्होंने उस साधारण से आदमी को नेता बना दिया और अब वो नेता ही उनको खा रहा है। इसलिए सबसे पहले संविधान को अपने संगठन में लागू कराइए और फिर इन सारे संगठनों को एक साथ मिलाइए और इनको एक बड़ा संगठन बनाइए, एक बड़ी शक्ति बनाइए, तब आप भारत के संविधान का लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज भूल जाइए, आपका आपातकाल चल रहा है, ये आपके पास मौका है। आप अगर कार्यकर्ता हैं तो आप सवाल करने शुरू कीजिए। सबसे पहला सवाल यही है कि एक व्यक्ति या एक संगठन जब ये कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों का राज होना चाहिए, तो उसके संगठन में क्यों नहीं है? एक अनडेमोक्रेटिक आदमी, एक ऐसा आदमी जो डिक्टेटरशिप चलाता है अपने संगठन में और वो डेमोक्रेसी की मांग करता है और संविधान की मांग करता है, इससे ज़्यादा मतलब हंसी का कोई कारण दिखाई नहीं देता भारत में कि जिस चीज़ को आप मांग रहे हो वो अपने अंदर लागू नहीं कर रहे हो। ये कमाल की बात है। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे शराब छोड़ दें और आप खुद रोज़ रात को दारू लेके बैठ जाते हो। कभी आपके बच्चे शराब नहीं छोड़ सकते। आप अगर संविधान को लागू कराना चाहते हैं तो संविधान को पहले अपने में लागू कीजिए, उसको समझिए, तब बात बनेगी। धन्यवाद।